इन्होंने कहा है कि 60 प्लस स्कूटर्स की बुकिंग और सेलिंग कर चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ समय में इसका एक थोड़े से एलिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा पॉकेट होल्डर देखने मिलता है जहाँ पर आप अपने डिवाइसेस को या छोटे बड़े टायर्स मिलते हैं। तो स्कूटर्स के लिए बेसिकली 12 इंचेस का टायर्स एक अच्छा अपडेट है। यहाँ पर टायर के साइज की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। अब काफी सारे न्यू लॉन्चेस, काफी सारे अपडेट्स, काफी सारे अपग्रेड्स इंडियन ऑटोमोबाइल्स में हमें फिलहाल देखने मिल रहे हैं, और ये जो सारे नए अपग्रेडेड मॉडल्स है ये मेरे शहर में अब अवेलेबल होना शुरू हो चुके हैं। तो फाइनली वी कैन गिव अ वेरी सिग्नेचर स्टाइल डिटेल रिव्यू फ्रॉम अवर चैनल। बात करेंगे आज के स्पेशल हाईलाइट की। मेरे साथ में है C12i Max। ओके, ये नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये आता है बेसिकली बिगॉस की तरफ से। बिगॉस जो कि RR की केबल की तरफ से एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, EV स्कूटर के फॉर्मेट में ये लॉन्च हुआ है। और बात करेंगे अगर RR केबल की या बिगॉस की, तो कंपनी जो है बेसिकली जानी जाती है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी के लिए, अमेजिंग हार्डवेयर एंड फीचर्स के लिए, और उसी के साथ में एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट के लिए। ये जो है ये बेसिकली स्कूटर इस साल का सबसे ज्यादा एवेटेड ईवी व्हीकल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कम्पीट करेगा अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सम बड़े बड़े ब्रांड्स जो फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या इसकी ऑफरिंग्स है, क्या है इसके स्पेशल फीचर्स, टेक्निकल स्पेक्स, सब कुछ जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मॉडल आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। वीडियो जो है काफी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहेगी, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू श्रीजी ईवी वर्ल्ड ऑथोराइज डीलर से बिगॉस के। तो शोरूम की जो सारे डिटेल्स है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा इसके सारे लिंक्स एंड एड्रेसेस। और उसी के साथ में वन मोर थिंग, उस लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए, मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेट्स बिगिन द ब्लॉग। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे पास में है C12i Max और ये बिगॉस की तरफ से एक प्रोपोर्शनेट स्कूटर मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले आप इसका ओवरव्यू लीजिए 360 डिग्रीज में, किस तरीके से ये गाड़ी का जो पूरा लुक है ये निकल कर आ रहा है। आप देखेंगे कि ये जो स्कूटर है फाइनली एक फैमिली स्कूटर के प्रोपोर्शन में इसे लॉन्च किया है। हालांकि इसके पहले बिगॉस की तरफ से जो प्रिसाइडिंग मॉडल्स है ये डिजाइन लैंग्वेज थोड़े से अलग लेकर आते थे, तो यहाँ पर ये आप डिजाइन देखेंगे थोड़ा सा बॉक्सी बल्कि और एक परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना फैमिली स्कूटर, पूरा का पूरा फैमिली आराम से एक नॉर्मल स्कूटर की तरह इसको राइड कर सकता है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके डिजाइन में आपको नजर आएंगे। ओके, अगर इसके प्रिसाइडिंग मॉडल्स की बात करूं और मैं जैसा कह रहा हूं कि फैमिली स्कूटर, तो ये देखिए इसका जो सबसे पहला मॉडल था B8, ये डिजाइन जो है ये बेसिकली बहुत ही डिफरेंट था इंडियन मार्केट के लिए, इटालियन स्कूटर्स के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हुआ डिजाइन है। सेकंड मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपको D15 भी दिखेगा। अब ये D15 जो है ये बेसिकली एक रगेड स्ट्रांग और MUV टाइप व्हीकल है, यूटिलिटी व्हीकल, तो यहाँ पर ये स्कूटर के डिजाइन को जस्टिफाई नहीं करता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट फैमिली स्कूटर आपको दिख रहा है। इसके वॉकराउंड से शुरू करेंगे फ्रंट साइड से, तो यहाँ पर फ्रंट में आपको एक LED हेडलैम्प मिलेगा, LED DRLs आपको यहाँ पर साइड में मिलेंगे, काफी अच्छे से इसको मैच करते हैं इसके डिजाइन को। और साथ में यहाँ पर ये LED हेडलैम्प सेटअप है जो अपर डिपर यहाँ पर प्रेजेंट है, बिगॉस की ब्रांडिंग यहाँ पर सेंटर में मेंशन की हुई है। तो इस तरीके से कुछ रेट्रो स्टाइलिंग और एक बहुत ही अच्छा डिजाइन यहाँ पर देखने मिलता है। फ्रंट एप्रन की बात करेंगे, यहाँ पर बिगॉस की ब्रांडिंग है 3D में, और ये फ्रंट एप्रन जो है ये काफी अच्छा बड़ा बल्कियर है। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए आपको जगह दी गई है। यहाँ पर ये मडगार्ड है, ये मडगार्ड आप देखेंगे स्ट्रांग है, काफी बड़ा है, तो ये काफी कह सकते हैं कि अच्छा बड़ा डिजाइन है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो ये LEDs में प्रोवाइड करे गए हैं। तो गाड़ी के जो सारे इलेक्ट्रिकल्स है बेसिकली LEDs है, या हेडलैम्प है या फिर टर्न इंडिकेटर्स हो या फिर टेल लैम्प, तो ये सारे के सारे LEDs है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सपोर्ट मिलता है कम्फर्ट के लिए। यहाँ पर आपको एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा फीचर है यहाँ पर आपको 12 इंचेस बड़ा अपडेट, एक बड़ा फीचर है यहाँ पर आपको 12 इंचेस 20x90 का आपको 12 इंचेस का ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर करती है जो कि TVS की तरफ से आता है। यहाँ पर बीच में जो है ये रिम व्हील्स आपको मिलते हैं अलॉयस का, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन फिलहाल कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। कि फ्रंट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैंडल बार का स्विचेस कंट्रोल्स अगर हम देख ले तो यहाँ पर हैंडल बार जो है ये काफी बड़ा एंड वाइड है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, तो इस तरीके से ये हैंडल बार जो है थोड़ा सा वाइड है, काफी ज्यादा नैरो नहीं, अच्छा खासा बड़ा पोजीशन आपको प्रोवाइड करता है, तो राइडिंग स्टांस जो है ये काफी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आपको हैंडल बार की तरफ देखेंगे तो ये वाइड हैंडल बार, यहाँ पर स्विचेस कंट्रोल्स मिलते हैं, ये आपका हेडलैम्प का स्विच है, स्विच जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर राइडिंग मोड्स है यानी स्पोर्ट्स मोड और इकोनॉमी मोड, ये दो मोड दिए हुए। यहाँ पर पावर का स्विच बटन है, यहाँ पर हॉर्न यहाँ पर मिल जाता है,
यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स की स्विच मिल जाती है और यहाँ पर अपर डिपर की स्विचेस मिल जाती है। बेसिक आपको स्विचेस मिलते हैं, स्विचेस कंट्रोल जो है उसके जो फील एंड फिनिश है ये डिसेंट है, अच्छी क्वालिटी का है और इसका जो साउंड है ये काफी अच्छा है, ये आप सुन सकते हो। क्वालिटी के स्विचेस स्विच गेयर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड की तरफ देखेंगे तो डैशबोर्ड आपको काफी अच्छा स्पेशियस मिलता है। नॉर्मल स्कूटर्स और नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल लगेज सब कुछ आप इसमें आसानी से अपने डेली टास्क इजीली कवर कर सकते हो। डैशबोर्ड के बारे में एक स्पेशल फीचर है, ये इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पर चार्जर रखने के लिए कंपनी ने स्पेस प्रोवाइड किया है। तो ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से गाड़ी की स्पेस को यूटिलाइज करके कंपनी जो है एक प्रैक्टिकल स्कूटर बनाती है। यहाँ पर थोड़े से एलिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा पॉकेट होल्डर देखने मिलता है जहाँ पर आप अपने डिवाइसेस को या छोटे बड़े डिवाइसेस को रख सकते हैं। यहाँ पर यूएसबी का चार्जिंग पॉइंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी डिवाइस को यहाँ पर रखकर आप इसे ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। तो इससे ये डिजाइन निकल कर आता है। सीट की बात करेंगे, सीट जो है ये काफी लंबी चौड़ी है, स्पेशियस सीट है। जो साइज अगर आप देखेंगे तो एवरेज इंडियन राइडर, थोड़े से मोटे राइडर मेरे जैसे लोग हो तो आसानी से राइड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में। और उसके साथ में कुशनिंग जो है ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से तो ये काफी सॉफ्ट है, ये देखिए बेहतरीन सीट इसमें प्रोवाइड की है। ऐसे नहीं कि स्टिफर या हार्डर सीट है, इसमें आप आसानी से सिटी राइड्स एंड थोड़े से लॉन्ग राइड्स इजीली आप इसमें कवर कर सकते हैं। यहाँ पर रेयर सेक्शन की तरफ आए तो यहाँ पर ग्रैब रेल देखने मिलता है जो कि काफी मजबूत स्ट्रांग मेटल का एक बड़ा सा ग्रैब रेल है, यानी कि जो पिलियन है उसके बैठने और उसके कंफर्ट के लिए यहाँ पर एक अच्छी पोजिशन ग्रैब रेल प्रोवाइड की है। साथ में लेडी के लिए यहाँ पर फुट रेस्ट जो है एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, काफी अच्छा फुट रेस्ट है, फिटमेंट जो है इसकी काफी अच्छी है। यहाँ पर फुट पैग्स है, ये अच्छी है, रबर है, थोड़ा सा स्पेस बड़ा है, यानी कि आसानी से फुट इसमें रख के कंफर्टेबली पिलियन जो है यहाँ पर बैठ सकता है। बात करें सेक्शन की तरफ तो मैंने जैसे कहा था यहाँ पर एलईडी के टेल लाइट्स आपको मिलते हैं और एलईडी के टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। मैं आपको इंडिकेटर्स दोबारा, इंडिकेटर्स काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ में आते हैं। रेयर सेक्शन का जो पूरा जो एक लुक है, फील है, ये एक रोबोटिक यानी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन की तरफ हमें जरूर जानकारी देता है। तो काफी अच्छी डिजाइन है रेयर सेक्शन का भी। तो इस तरीके से ये गाड़ी के कुछ ऑल ओवर जो है वॉक अराउंड निकल कर आती है। यहाँ पर रेयर सेक्शन में भी 90/100 का आपको, यानी कि एक थोड़ा सा फैट टायर आपको मिलता है, सॉरी ये रेयर सेक्शन का 10 इंचेस का है, तो फ्रंट में 12 रेयर में 10 से, यानी कि बैलेंस स्कूटर काफी अच्छे से प्रोपोर्शनेट किया है। अब गाड़ी के जो और एक मेन फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको गाड़ी का बूट स्पेस देखिए, ये इस सेगमेंट का या इनफैक्ट कोई भी स्कूटर सेगमेंट का एक काफी बड़ा स्पेशियस बूट स्पेस है। ये 27 लीटर्स की स्टोरेज के साथ में आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैटरी के लिए अच्छी खासी जगह का फिटमेंट किया गया है और उसके अलावा यहाँ पर अलग से 27 लीटर्स का एक बड़ा सा बूट स्पेस आपको देखने मिलता है, जो कि रियली एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इन सारी चीजों के साथ में ये गाड़ी काफी इंटरेस्टिंग बनती है। वैसे गाड़ी के जो सारे टेक्निकल स्पेक्स और बेसिक फीचर्स है ये तो मैंने बता दिए, लेकिन टेक्निकल स्पेक्स और जो जानने लायक फीचर्स है ये इसके लिए हम कनेक्ट करेंगे कंपनी के एक्सपर्ट्स के साथ में। तो उसके लिए मैं इन्वाइट करता हूँ कंपनी के एक्सपर्ट्स को, इनसे हम बात करते हैं। ऑलराइट सपन भाई, वेलकम टू द शो वंस अगेन। एंड मैं कहना चाहूंगा कि काफी समय के बाद हम व्यूअर्स के साथ में बिग बॉस पर आए हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग व्हीकल है। Yes. तो ये C12i Max क्या कहेंगे इसके बारे में? बस जो कस्टमर का फीडबैक था तक का कि चाहिए था कुछ अलग, कुछ ऐसा जो फैमिली स्कूटर को रिसेंबल करे, कि फैमिली स्कूटर को दिखाए, तो वो चीज आज कंपनी ने आपके लिए लाके रखी हुई है। ओके, बेसिकली बिगॉस इसे कहता है बिग अपग्रेड और वाकई में ये बिग अपग्रेड लग रहा है। Yes. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है जैसे आरआर केबल बिगॉस जो है ये कस्टमर्स के फीडबैक को जरूर सुनती है। मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। सबसे पहले तो ये जो डिजाइन है ये फर्स्ट इन द सेगमेंट है जहाँ पर बिगॉस का ये फर्स्ट मॉडल है जो फैमिली स्कूटर के रूप में हमें देखने मिल रहा है। राइट, एंड सेकेंडली D15 जो मॉडल था ये काफी एक बेहतरीन मॉडल था, बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन उसके अंदर बूट स्पेस जो है काफी कम थी। तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही बड़ी बूट स्पेस दे दी है, तो दैट्स लाइक अ बोनस। राइट, तो ये मैं कह सकता हूँ कि कंपनी जो है फीडबैक सुनती है एंड दैट इज अ वेरी गुड साइंस कि कंपनी जो है कस्टमर्स के फीडबैक को सुने। तो इस तरीके से ये मुझे तो काफी इंप्रेसिव लगी है। अब कस्टमर्स को हम बताते हैं, व्यूअर्स को बताते हैं कि इसके जो मेन टेक्निकल स्पेक्स अबाउट स्पेयर पार्ट्स या बैटरीज या मोटर्स इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं।
तो सबसे पहले सपन भाई इस गाड़ी के मोटर के बारे में व्यूअर्स को बताइए। मोटर जैसे कि आपने D15 में देखा था PMSM हब मोटर्स यूज किया गया है। ओके राइट। सेम इसमें भी PMSM हब मोटर है, 2500 वोट पीक का मोटर आएगा इसमें भी। ओके सेम पावर परफॉर्मेंस मिलेगा, 60 का टॉप स्पीड मिल जाएगा, बट इसमें रेंज आपको ज्यादा मिलेगा। बैटरी मोटर दोनों वैसा ही है जैसे D15 में था, बट इसमें रेंज आपको 135 का कंपनी सर्टिफाइड रेंज मिल जाएगा। ओके यानी ये कह सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर मोटर है ये बेसिकली D15 का ही मोटर इसके अंदर यूज किया है, तो आउटपुट जो है वो लगभग करीब करीब वैसा ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर रेंज जो है ये बढ़ा दिया है। अच्छी बात है। अगर हम बात करें रेंज की तो कंपनी की क्लेम रेंज कितनी है इस गाड़ी के लिए? अभी 135 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज मिल सिंगल चार्ज ओके 135 फॉर सिंगल चार्ज कंपनी क्लेम करती है, यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 120-115 तो अपने को मिल ही जाएगा। राइट, इट्स अ गुड फिगर कंसिडरिंग ये हाई स्पीड स्कूटर है, तो यहाँ पर ये रेंज मिलना, अगर एक एवरेज राइडर जो है सिटी में अगर 20 किलोमीटर रोज चलाता है तो आई थिंक 4-5 दिन ये सिंगल बैटरी बैकअप में आपको मिल जाएगा। राइट, 4-5 दिन का राइड कर सकते हैं, तो गुड बैटरी बैकअप। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे तो इसकी जो पावर फिगर्स है मोटर की ये कितनी है? 2500 वोट का इसमें मोटर यूज किया गया। ओके राइट राइट। PMSM हब मोटर है, जैसा ही सेम टेक्नोलॉजी जो हमने D15 में देखा था। D15 में राइट। यस, मैग्नेटिक मोटर है जो पावर परफॉर्मेंस में काफी बेहतर है BLDC मोटर के मुकाबले। ओके राइट। तो लाइफ भी इसका BLDC से थोड़ा ज्यादा है। ओके तो वही चीज वहां से D15 से ही यहां पे लिया गया। ओके मतलब कह सकते कि मेजर हार्डवेयर जो है वो D15 का इसमें यूज किया है। एग्जैक्टली फॉर द काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। राइट, तो मैं व्यूअर्स को बताऊंगा कि नॉर्मल जो BLDC मोटर्स या हब मोटर्स वाले जो स्कूटर्स होते हैं इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है, और ये आपको कभी पता चलेगा जब यहाँ पर आप विजिट करके इसे टेस्ट राइड लेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। राइट, यस। तो ये एक बात है। अब बात करेंगे इसके हार्ट की, गाड़ी की यानी बैटरी की, तो बैटरी के बारे में हम क्या बता सकते हैं? बैटरी भी वही है जो D15 में यूज किया गया था, 3.2 किलोवाट का बैटरी अभी कंपनी दे रही है फॉर C12 iMAX मॉडल के लिए। ओके ये बैटरी वही है जो 21700 सेल लिथियम आयन सेल जो यूज करते हैं। राइट, वही सेल है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पे देखा जाए तो 20+ सेफ्टी फीचर्स इसमें एड ऑन किए गए हैं। राइट, सो D15 से ये काफी सेफ बैटरी है। ओके राइट, और बैटरी का माने बैटरी वही होने से भी इसमें रेंज बढ़ गया है। रेंज मेन तो ये चीज है कि वही बैटरी से आपको ज्यादा रेंज, ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिल रही है। एफिशिएंसी आउटपुट ज्यादा है लेकिन सेफ्टी जो है BMS जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। राइट, या उससे कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर। मैं व्यूअर्स को इसकी बैटरी भी दिखाना चाहूंगा, मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो ये कुछ इस तरीके की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है, तो ये BGOS यहाँ पर आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके की बैटरी आपको इस स्कूटर के अंदर मिलती है। ये आपका चार्जिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो ये कुछ बैटरी इस तरीके की इस स्कूटर में मिलती है। बैटरी की साइज काफी बड़ी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर स्कूटर के ऑल ओवर वेट की बात करें तो ये वेट कितना वेट करता है? ये टोटल वेट इसका ग्रॉस वेट 110 किलो का है। 110 किलो फाइबर क्वालिटी के साथ, मींस ये फाइबर क्वालिटी में। राइट राइट। ओके, अगर मैं व्यूअर्स को बताऊं कि ये स्कूटर जो है वैसे बल्कि लगता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने मिलता है। BGOS इज नॉन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेबल बिल्ड क्वालिटी, लेकिन इसका जो वेट है ये 110 किलो है। इसके कंपेयर करें तो पावर टू वेट रेशियो जो काफी अच्छा हो जाता है, और गाड़ी की जो हैंडलिंग या बैलेंसिंग है ये काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। ओके सपन भाई, सबसे बेस्ट पार्ट गाड़ी की जो प्राइसिंग है, फिलहाल क्या प्राइसिंग है और इसके अंदर क्या क्या, जैसे कहते हैं ना सब्सिडीज या जो भी ऑफर्स है वो आप व्यूअर्स को बताइए। अभी गाड़ी की प्राइसिंग है 1,26,153 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है। राइट, और सब्सिडी की बात करूं स्पेसिफिकली तो मेरे यहाँ पे बड़ौदा मींस गुजरात स्टेट सब्सिडी अप्लीकेबल है 20,000 की ये स्कूटर में। ओके, तो मैं जस्टिफाई सिंप्लीफाई करूँ व्यूअर्स को कि इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,26,500 रुपए के करीब आपको मिल जाती है, और उसके साथ में ऑन रोड प्राइस के लिए इसके ऊपर गवर्नमेंट चार्जेस या फिर गवर्नमेंट के RTO चार्जेस एंड एवरीथिंग इंश्योरेंस जो वो अलग से होता है, और उसके बाद उसमें स्टेट सब्सिडी जो है ये 20,000 डिडक्ट होगा प्राइस। तो इस तरीके से कुछ प्राइसिंग निकल कर आती है। और मैं व्यूअर्स को एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो स्टेट सब्सिडी है मेरे शहर की यानी कि वडोदरा यानी गुजरात स्टेट की है। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप अपने नजदीकी डीलर से संपर्क जरूर कीजिए। ओके सपन भाई, तो ऑन एंड ऑल वर्डिक अगर इस गाड़ी का मैं बोलूं तो काफी इम्प्रेसिव मॉडल है,
और कंपनी ने बेहतरीन मॉडल देने की कोशिश की है एट द वेरी गुड प्राइस कंसिडरिंग द फीचर्स। ओके, तो आई होप कि आपके पास इसके काफी अच्छे बुकिंग्स, प्रायर बुकिंग्स के ये अभी फिलहाल जो बुकिंग्स है ये काफी अच्छे चल रहे हैं। राइट, अभी हमारे पास 57 के अराउंड ऑन बुकिंग्स हैं, ऑन हैंड बुकिंग्स हैं। ओके, राइट, और अभी तक मार्केट में इसका रिव्यू गया नहीं है, जैसे ही गुजरात में इसका रिव्यू बढ़ेगा डेफिनेटली इसका ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। एज एन अ फैमिली स्कूटर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे हैं कि जो ये प्राइस रेंज में ये फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं गुजरात में। राइट राइट, और अगर ब्रांडिंग की बात करूं तो आरआर केबल जैसा बड़ा ब्रांड है, ड्यूरेबल ब्रांड है, तो इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, तो ये कुछ था अबाउट द बिगॉस डी सी 12i मैक्स। थैंक यू सपन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही जल्द जैसे इन्होंने कहा है कि 60 प्लस स्कूटर्स की बुकिंग और सेलिंग कर चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ समय में इसका एक ओनरशिप रिव्यू भी आपके लिए लेकर आए। ओके सपन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टू द शो। ओके, और था अबाउट द C12i Max, इस गाड़ी के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट और मेरे कुछ ओपिनियंस की बात करूं तो एक फैमिली स्कूटर ईवी व्हीकल में अगर आपको चाहिए जिसके अंदर पावरफुल मोटर, एक लॉन्ग ड्यूरेबल बैटरी, अमेजिंग हार्डवेयर और उसी के साथ में बेहतरीन रेंज और उसी के साथ में ड्यूरेबल बॉडी का सपोर्ट, तो ये कुछ कंप्लीट फैमिली पैकेज बनकर आता है। इस गाड़ी के अंदर थोड़े से मुझे वैसे कॉन्स ज़्यादा दिखे नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बात करूं तो यहाँ पर जो व्हील्स है ये रिम व्हील्स की जगह पे अलॉयज हो सकते हैं, और होपफुली बिगॉज जो है अपने कस्टमर्स के फीडबैक को सुनता है तो होपफुली इन फ्यूचर आपको ये भी देखने मिल जाए। और साथ में यहाँ पर जो ब्रेक्स का सपोर्ट है ये आपको डिस्क ब्रेक जो है ऑप्शनल एक्चुअली प्रोवाइड करना चाहिए था, जो फिलहाल आपको ड्रम ब्रेक्स में मिलता है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। बाकी गाड़ी के बारे में आपके सुझाव कैसे हैं, आपके थॉट्स क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और साथ में इस गाड़ी को लेकर आपके क्या सुझाव है ये भी हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए तीन चीज़ें ज़रूर करते रहिए, लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को, इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अमेजिंग ऑटो वर्ल्ड कंटेंट्स दोबारा देखने के लिए, और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नोटिफाइड रहे हमेशा हमारे नए वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू वेरी मच।